गाइस, अगर आपका पीसी ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद भी पीसी में डिस्प्ले नहीं आता है तो ऐसे में क्या करना है ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने पीसी को इस तरह से रख लीजिएगा, देन उसके बाद ढक्कन खोल लीजिएगा। मैंने ये ढक्कन पहले से ही खोल के रखा है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीसी के अंदर जनरली क्या क्या रहता है, एचएमपीएस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, और अगर आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड हो तो ग्राफिक्स कार्ड। जैसे मेरे पीसी में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रैम को चेक करना है। तो सबसे पहले हमें अपने पीसी के रैम को खोल लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इस तरह का प्रॉब्लम, यानी कि आपका पीसी ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, यानी कि विंडोज स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस तरह के केसेस पहली बात तो सबसे ज्यादा रैम की वजह से होते हैं, और दूसरी बात ये बारिश के मौसम में ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में वेदर में मॉइस्चर ज्यादा रहता है, तो इसीलिए वो मॉइस्चर हमारे रैम का जो स्लॉट होता है उसमें आके चिपक जाता है, और जब भी हम पीसी को ऑन करते हैं तो हमारा पीसी स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, यही सेम प्रॉब्लम आपके पीसी के किसी दूसरे पार्ट्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन 95% केसेस में इसके पीछे रैम ही रीजन होता है। यही सेम प्रॉब्लम अगर आपके लैपटॉप में भी आता है तो लैपटॉप के केस में भी आप सबसे पहले रैम को ही चेक कीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप में आप ज्यादा कुछ चेक कर नहीं सकते, लेकिन रैम आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम लैपटॉप का रैम जस्ट ऊपर का एक पैनल खोलने से ही आप उसे देख सकते हैं, तो वहां से आप रैम को खोल के फिर उसे साफ करके फिर लगा के देख सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप खुद ही इस प्रॉब्लम का सलूशन कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैम को खोलेंगे। उसके लिए देखिए यहाँ पे दोनों साइड में दो लॉक होता है, इस लॉक को पीछे की तरफ पुश करना है, एक लॉक इधर भी रहेगा, दोनों लॉक को पीछे की तरफ पुश करना है, देन रैम को आपको धीरे से इस तरह निकाल लेना है, इस तरह बाहर निकाल लेना है। अब आपको एक इरेजर लेना है और ये रैम के जो पिन है इन्हें इस तरह से धीरे धीरे आपको इरेजर की मदद से साफ कर लेना है। इस तरह दोनों तरफ साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद आपको इस रैम को फिर से अपने पीसी के मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना है और पीसी को ऑन करके चेक करना है कि आपके पीसी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। इस रैम को जब आप मदरबोर्ड में लगाएंगे तो उस टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं एक दूसरा मदरबोर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि वो मदरबोर्ड अंदर लगा हुआ है तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। गाइस, रैम जनरली चार तरह का होता है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अभी रिसेंट DDR5 भी मार्केट में आ गया है लेकिन उतना अवेलेबल नहीं हुआ है। तो हर रैम का ये जो सॉकेट आपको दिख रहा है ये अलग अलग जगह पे रहेगा। जैसे ये DDR3 रैम है तो इसका सॉकेट यहाँ पर है, DDR2 अगर होता तो उसका सॉकेट यहाँ पे होता, इस तरह अगर ये DDR4 होता तो उसका सॉकेट थोड़ा और हटके होता। इसी तरह हर मदरबोर्ड में भी रैम का जो स्लॉट होता है उसके बीच में इस तरह का एक डिवाइडर बना हुआ रहता है, जो कि अलग अलग जगह पे रहता है रैम के हिसाब से। अब देखिए, जैसे ये जो मदरबोर्ड है इस पर अगर मैं ये रैम लगाऊंगा, ये देखिए गाइस, तो देखिए नहीं लग पा रहा है। ये देखिए गाइस, रैम में जो सॉकेट है वो यहाँ पर है और मदरबोर्ड में जो डिवाइडर बना हुआ है ये देखिए वो उससे थोड़ा हटके है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ये DDR3 रैम का मदरबोर्ड नहीं है, इसमें DDR2 रैम लगेगा। तो मैं इसमें एक DDR2 रैम लगा के आपको दिखा देता हूँ कि रैम आपको किस तरह लगाना है। ये देखिए गाइस, ये है DDR2 रैम, और इससे पहले जो रैम मेरे हाथ में था आप देख सकते हैं ये DDR3 रैम है। ये देखिए गाइस, इन दोनों रैम के बीच में जो सॉकेट है आप समझ सकते हैं कि इन दोनों सॉकेट्स का लोकेशन थोड़ा अलग अलग जगह पे है। तो ये रैम अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये आसानी से लग जाएगा। रैम को आपको आराम से इस तरह पकड़ के और इस तरह से बैठा के दोनों साइड हल्का सा पुश कर देना है तो ये लॉक हो जाएगा इस तरह से। हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता हो, लेकिन जिनको पता भी है वो भी वीडियो में बने रहे, क्योंकि आगे मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि शायद आपको पता ना हो, और मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, अब आपने देख लिया कि रैम किस तरह से लगाना है। रैम को इरेजर से साफ करके लगाने के बाद भी अगर आपका पीसी ऑन नहीं होता है, यानी कि आपके पीसी का डिस्प्ले नहीं आता है, ऐसे केस में अगर आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो आपको इस ग्राफिक्स कार्ड को खोलना है। ग्राफिक्स कार्ड को खोलने के बाद आपको ग्राफिक्स कार्ड के भी नीचे ये जो रैम में इस तरह का पिन बना हुआ था, ऐसा ही पिन आपको ग्राफिक्स कार्ड में भी देखने को मिलेगा। आपको सेम इसी तरह उस पिन को भी इरेजर से साफ करना है, देन फिर से ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करके आपको चेक करना है। अगर उसके बाद भी अगर आपके पीसी में डिस्प्ले नहीं आता है, यानी कि आपका पीसी ऑन हो रहा है, आपके पीसी का सीपीयू फैन जो होता है, यानी कि ये वाला पार्ट ये घूम रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपके पीसी में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो अब आपको चेक करना है प्रोसेसर। प्रोसेसर को चेक करने के लिए आपको अपने पीसी का कूलर फैन खोलना पड़ेगा। इस कूलर फैन के नीचे हमारे पीसी का प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। कुछ कूलर फैन ऐसे आते हैं जो आपको दिख रहा है इस तरह गोल टाइप का, और कुछ कूलर फैन इस तरह के भी आते हैं, और भी बहुत तरह के आते हैं, फिलहाल मैं यही दो दिखा रहा हूँ। इनको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है इस तरह का
छोटा बड़ा जैसा भी हो, या फिर अगर घर पे टेस्टर हो तो टेस्टर से भी काम हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए एक लाइन है, इस लाइन के अंदर आपको इस तरह स्क्रू ड्राइवर को फंसाना है और राइट साइड में घुमा देना है। यहाँ पे एक एरो भी बना हुआ है जिसमें ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको किस तरह घुमाना है। इस प्रोसेसर फैन के ये जो चारों लॉक हैं, इन्हें आपको चारों को इस तरह घुमा देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह घुमाने के बाद आप इसको थोड़ा सा खींचिएगा तो ये मदरबोर्ड से निकल जाएगा। अब इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये है प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को आपको धीरे से इस तरह खोलना है। इस तरह खोलने के बाद इसे आप पीछे की तरफ थोड़ा पुश कीजिएगा, देन बहुत ही केयरफुली धीरे से इस तरह प्रोसेसर को पकड़ के आप बाहर निकाल दीजिएगा। देखिए गाइस, ये प्रोसेसर के नीचे भी इस तरह के कुछ कनेक्शंस होते हैं, इन पर भी कभी कभी मॉइस्चर जम जाता है, लेकिन ये काफी रेयर केस में होता है। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम रैम में आती है, लेकिन प्रोसेसर में भी हो सकता है। आपको अपने प्रोसेसर को भी इसी तरह इरेजर की मदद से इस तरह धीरे धीरे थोड़ा साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आप प्रोसेसर को फिर से मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर दीजिएगा। ये काम बहुत ही सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर के सॉकेट होते हैं इनमें काफी सारे इस तरह के पिन बने हुए होते हैं। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे टच कर दिया तो ये पिन टेढ़ा हो सकता है या फिर टूट भी सकते हैं, तो इससे आपका पूरा मदरबोर्ड ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेसर का पिन अगर एक बार खराब हो गया तो फिर इसे रिपेयर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपको प्रोसेसर को मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करना हो, इसे बिल्कुल आराम से इस तरह से आप प्रोसेसर सॉकेट के ऊपर रखें और धीरे से छोड़ दें ताकि ये आराम से अपनी जगह पे बैठ जाए। देन आपको इसे इस तरह रख के इस लॉक को फिर से लगा लेना है। अगर इस तरह के पीसी रिपेयरिंग और उनके सोल्यूशंस के बारे में आप और भी डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं या और भी दूसरे प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है तो उसका भी सोल्यूशन मैं करने की कोशिश करूंगा, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब आपने प्रोसेसर को भी अच्छे से साफ करके लगा दिया, फिर आपको अपना पीसी स्टार्ट करके देखना है। अगर आपका पीसी का डिस्प्ले आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अब आपको चेक करना है एसएमपीएस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। गाइस, ये है एसएमपीएस जो हमारे पीसी में लगा रहता है, जो हमारे पीसी का पावर सप्लाई है, इसे एसएमपीएस या पावर सप्लाई कहते हैं। अब आपको चेक करना है कि आपका ये एसएमपीएस ठीक है या नहीं। अगर आपके पीसी में प्रोसेसर का फैन घूम रहा है तो इसका मतलब सीधा यही है कि आपका एसएमपीएस चल रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एसएमपीएस चल रहा है इसका मतलब ठीक हो। कभी कभी क्या होता है, एसएमपीएस ऑन होने के बाद भी उसमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी अगर आपका पीसी बिल्कुल डेड हो, चल ही नहीं रहा हो, तो उस केस में आपको कैसे अपने पीसी के एसएमपीएस को चेक करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ एक देसी जुगाड़ के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये आप तभी ट्राई कीजिएगा जब आपका पीसी बिल्कुल डेड, यानी कि आपके पीसी में प्रोसेसर का फैन अगर घूम ही नहीं रहा हो, आपका पीसी ऑन ही नहीं हो रहा हो, उस केस में आप सबसे पहले एसएमपीएस चेक कीजिएगा, उसके बाद आपको मदरबोर्ड चेक करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको एसएमपीएस का जो फंडा है वो अभी दिखा देता हूँ। इसके लिए एक तार लीजिएगा इस तरह का, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर चलेगा, उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ लीजिएगा। इस सॉकेट को 24 पिन सॉकेट कहते हैं क्योंकि इसमें इधर 12 टोटल 24 पिन है। आपको क्या करना है, सॉकेट को इस तरह से पकड़ना है और जिस तरह आपको ये ग्रीन कलर का केबल दिखेगा, ये देखिए गाइस, इस ग्रीन कलर के केबल को और उसके बगल में जो ब्लैक कलर का केबल है, इन दोनों केबल को आपको आपस में शॉर्ट करना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इसके पिन दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का तार दिख रहा है इसका सॉकेट ये है, इसके सॉकेट में तार को एक तरफ पुश करना है और उसके बगल में जो ब्लैक कलर का है उसमें एक तार पुश कर देना है। इससे क्या होगा, ये एसएमपीएस शॉर्ट हो जाएगा। अब आपको इसे पावर देना है। ये मैंने एसएमपीएस में पावर केबल लगा लिया। अब आपको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद आपको देखना है कि एसएमपीएस का फैन घूम रहा है कि नहीं। फैन तो शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक हल्का सा साउंड आई होप कि आ रहा होगा। इस एसएमपीएस का फैन घूम रहा है, यानी कि ये एसएमपीएस सही है। इस तरह अगर आपका पीसी डेड हो तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पीसी का एसएमपीएस ठीक है या खराब है। अगर आपका एसएमपीएस ऑन नहीं होता है तो उस केस में आप एक एसएमपीएस मार्केट से परचेस करके ला सकते हैं और खुद ही अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफी आसान है इंस्टॉल करना। इससे आपको जो सर्विस चार्ज देना पड़ता है किसी भी सर्विस सेंटर में, वो आपका बच जाएगा। तो आपने देख लिया एसएमपीएस को किस तरह चेक किया जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारियां देने की कोशिश की है, यानी कि अगर आपके पीसी का फैन घूम रहा है लेकिन फिर भी मॉनिटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या करना है, और साथ ही अगर आपका पीसी पूरा डेड हो यानी कि फैन नहीं घूम रहा हो तो उस केस में आप किस तरह से एसएमपीएस को चेक करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर इस तरह के किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।